हाय गाइस, तो आज की इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टेस्ला स्मार्टफोन के बारे में। लाइक जैसा कि टेस्ला स्मार्टफोन नहीं, जैसा कि टेस्ला से रिलेटेड कई सारे स्पेशल एडिशन स्मार्टफोन जो कि आपको जरूर से पता होने चाहिए। कुछ स्मार्टफोन इंडिया में भी है और कुछ स्मार्टफोन इंडिया में नहीं है। कई सारे बहुत अच्छे डिजाइन वाले स्मार्टफोन जो कि आपको जरूर से पता होने चाहिए। तो आज की इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग यही बात करने वाले हैं। आज की इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे बेस्ट स्पेशल एडिशन स्मार्टफोन जो कि एक नॉर्मल स्मार्टफोन से ट्रांसफॉर्म किए गए सारे अच्छे डिजाइन में। तो ये सारे स्मार्टफोन के बारे में मैं बात करूंगा, इसके सारे स्पेसिफिकेशन और भी कैसे इसके प्राइस और कौन सा स्मार्टफोन आपको इंडिया में देखने को मिलेगा और नहीं देखने को मिलेगा। तो आओ यार, चलो शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। एंड गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को एंड तो देखिएगा, काफ़ी अमेजिंग लगने वाला है आपको। तो जैसा कि वीडियो को एंड तो देखिएगा, और तो और जैसा कि मैं इस गेम प्ले पे अपनी वीडियो को वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो लाइट चली गई थी, लाइट नहीं गई थी, बट जैसा कि मैंने सोचा कि गेम प्ले पे वॉइस रिकॉर्ड करूंगा तो थोड़ी अच्छी वीडियोस बन पाएगी, तो इसलिए मैंने इसे ट्राई किया। तो चलो यार, तो बात करते हैं इस लिस्ट की फर्स्ट स्मार्टफोन के बारे में जिसे मैंने फर्स्ट नंबर पे रखा है, वो है वन प्लस नोट 2 पैकमैन एडिशन। एंड बात की जाए इसके स्पेसिफिकेशन की, तो इसके अंदर 6.43 इंच की 120 हर्ट्ज वाला फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, 45,000 mAh आवर की बैटरी, 50 MP प्लस ट्रिपल रियर कैमरा का सपोर्ट स्लॉट देखने को मिल जाता है। और तो इस बात की जाए इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है MediaTek Dimensity का 1200 मैक्स चिपसेट जो कि 3 GHz पे क्लॉक करता है, और इसके साथ कनेक्टिविटी प्लस NFC अलर्ट स्लाइडर भी देखने को मिलता है। और जैसा कि आपको मैक्स वाली जैसा कि चिपसेट देखने को मिल जाते इस स्मार्टफोन के अंदर। तो बात की जाए BGMI ग्राफिक्स की, तो इसमें प्लस एक्सट्रीम 60fps टू 90fps स्टार्टिंग देखने को मिल जाती है, और HDR प्लस अल्ट्रा आपको जैसा कि एंडिंग देखने को मिल जाती है। तो अच्छी खासी आपको गेमिंग स्पेस आप इस स्मार्टफोन के साथ देखने को मिल जाएगी। और बात की जाए इसके फाइनली प्राइस की, तो 12GB रैम प्लस 256GB जो प्राइस है वो है 37,800 रुपया अभी के टाइम पे फ्लिपकार्ट पे स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगी। LPDDR4X रैम प्लस UFS 3.1 के साथ, और आफ्टर यूजिंग कार्ड जैसा कि अगर आप इस पे कार्ड से यूज करते हो तो ये स्मार्टफोन आपको 33,500 का देखने को मिल जाएगा। तो आप इसे फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं। एंड गाइस, तो बात कीजिए इस लिस्ट की दूसरे स्मार्टफोन के बारे में, तो वो है Realme GT Neo 2 X Dragon Ball G Edition। एंड इसके अंदर आपको 6.62 इंच की फुल HD प्लस AMOLED पैनल वाली 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और 5000 mAh आवर की बैटरी प्लस 10 वोल्टेज प्लस 6.5 एम्पियर वाली 65W की चार्जिंग देखने को मिल जाती है, सॉरी इतना लंबा बोलने के लिए, और टाइप सी केबल सपोर्ट के साथ देखने को मिल जाती है। और बात कीजिए इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो इसके अंदर आपको Qualcomm स्नैपड्रैगन का 870 चिपसेट देखने को मिल जाता है जो कि शायद से मेरे हिसाब से 6S7 नैनोमीटर पे बेस्ट होगा। तो ये 3.2 GHz की क्लॉक स्पीड से चलती है, तो जैसा कि ये भी नेक्स्ट लेवल की मैक्स चिपसेट होने वाली है। और इसके ऊपर बात की जाए BGMI ग्राफिक्स की, तो स्मूथ प्लस एक्सट्रीम 90fps स्टार्टिंग, और HDR प्लस अल्ट्रा 90fps एंडिंग जैसा कि आपको इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि आप भी इसे तो आप भी इस स्मार्टफोन के ऊपर अच्छी खासी गेमिंग कर पाओगे। और बात की जाए प्राइस की, तो इसकी प्राइस जो है 8GB प्लस 128GB जो प्राइस है 32,169 रुपया देखने को मिल जाता है, और अगर आप इस पर कार्ड लगा देते हो तो ये 30,560 का देखने को मिल जाता है। बट ये जो है इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो यार क्या ही बोल सकते हैं, इंडिया में तो है ही नहीं, बट इसमें कार्ड कहाँ पे यूज़ करेंगे यार। एंड गाइस, तो बात की जाए इस लिस्ट की नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में, तो वो है ओप्पो रेनो 7 प्रो एक्स लीग ऑफ लेजेंड बेस्ट एडिशन। जो कि लीग ऑफ लेजेंड पे ये एडिशन बेस्ट है। और बात की जाए इसके स्पेसिफिकेशन की, तो 6.5 इंच की फुल HD प्लस AMOLED पैनल वाली डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है विथ 120Hz का रिफ्रेश रेट के साथ, 4500 mAh की बैटरी है, 65W की चार्जिंग, 50+8MP प्लस 2MP का ट्रिपल रियर कैमरा स्लॉट देखने को मिल जाता है बैक के साइड, और 32MP की सेल्फी देखने को मिल जाती है। और बात की जाए परफॉर्मेंस के बारे में, तो इसके अंदर आपको MediaTek Dimensity का 1200 मैक्स चिपसेट देखने को मिलता है जो कि 3 GHz पे क्लॉक करता है। और बात की जाए इसके BGMI ग्राफिक्स की, तो स्मूथ प्लस एक्सट्रीम 90fps स्टार्टिंग, और अल्ट्रा HDR प्लस अल्ट्रा तक जैसा कि आप 90fps तक गेमिंग कर पाओगे। तो जैसा कि बात की जाए इसके प्राइस की, तो इस पर आप 12GB प्लस 256GB 36,900 के प्राइस में देखने को मिल जाती है, और आफ्टर यूजिंग कार्ड्स जैसा कि 35,149 के प्राइस में देखने को मिल जाती है। और बात की जाए ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलता किसी भी वेबसाइट पे, तो ये आपको बाहर में भी देखने को मिले, चाइना, बांग्लादेश, ऐसे कुछ जगहों पे ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएंगे।
एंड गाइस तो बात की जाए नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में, तो वो है वन प्लस की तरफ से आता हुआ वन प्लस 9 RT जेनसिन इंपैक्ट एडिशन। एंड ये भी स्मार्टफोन आपको नेक्स्ट लेवल देखने को मिलते हैं। बात की जाए इसके स्पेसिफिकेशन की, तो 6.62 इंच की फुल HD प्लस 120Hz वाली डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है, 4500mAh की बैटरी, 65W की चार्जिंग, 50MP प्लस ट्रिपल रियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और 65W की चार्जिंग देखने को मिल जाती है। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का ट्रिपल एचिप देखने को मिलता है, जिनके ऊपर आप नेक्स्ट लेवल की गेमिंग कर पाओगे। और तो जैसा कि गेमिंग की बात करें, तो बात की जाए BGMI ग्राफिक्स की, तो इसके ऊपर जैसा कि ये चिपसेट जो है 5nm पे बेस्ड है, और इसके ऊपर आप स्मूथ प्लस एक्सट्रीम 90fps स्टार्टिंग कर सकते हो, और अल्ट्रा HD प्लस अल्ट्रा तक जैसा कि स्मार्टफोन के ऊपर आप गेमिंग कर पाओगे। एंड बात की जाए इसके प्राइस की, तो 12GB प्लस 256GB जो प्राइस है वो आपको 42,500 के प्राइस देखने को मिल जाती है, और अगर आप इस पर कार्ड लगा देते हो तो 40,375 रुपये की प्राइस में ये देखने को मिल जाएगी। बट ये स्मार्टफोन इंडिया में अवेलेबल नहीं है। साला ये दुख का ही नहीं ख़त्म होता है बे। एंड गाइस तो बात की जाए नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में, तो वो है ओप्पो रेनो 6 प्रो एक्स कॉनन एडिशन। तो ये जैसा कि एक कॉनन एडिशन, एक कार्टून है कॉनन, तो जैसा कि उसी पे ये एक बेस्ट ट्रांसफॉर्मर, आपको समझ में नहीं आया होगा, तो जैसा कि ट्रांसफॉर्मर कॉनन एक कार्टून है, उसी पे ये एक बेस्ट जैसा कि एडिशन बनाया गया है। बात की जाए इसके स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें के अंदर आपको 6.55 इंच की फुल HD प्लस AMOLED पैनल वाली डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है, 120Hz का रिफ्रेश रेट, 4500mAh की बैटरी, और 64MP प्लस 8MP प्लस 2MP प्लस 2MP का क्वाइट कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, और 32MP की सेल्फी। और परफॉर्मेंस की बात की जाए, तो MediaTek Dimensity का 1200 चिप देखने को मिल जाती है, जो कि 3GHz पे क्लॉक चलती है। और बात की जाए इसके BGMI ग्राफिक्स की, तो इसके अंदर आपको स्मूथ प्लस एक्सट्रीम 90fps वही स्टार्टिंग, और अल्ट्रा HD प्लस अल्ट्रा तक जैसा कि आप इस पे गेमिंग कर पाओगे। एंड बात की जाए प्राइस की, तो 12GB प्लस 256GB जो प्राइस है वो आपको 41,990 के प्राइस में देखने को मिल जाती है। और अगर इस पे कार्ड लगाते हो यार, कार्ड मत लगाओ, क्योंकि ये इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। एंड गाइस तो बात की जाए नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में, तो इस स्मार्टफोन को आप टेस्ला स्मार्टफोन भी बोल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपको नेक्स्ट लेवल की स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। एंड बात की जाए इस स्मार्टफोन की, तो ये स्मार्टफोन है रेड मैजिक 7 ट्रांसफॉर्मर एडिशन। इसके इमेजेस काफ़ी नेक्स्ट लेवल देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख के अंदाजा लगा सकते हो कि ये स्मार्टफोन कितना बेस्ट होने वाला है। और इसके बात की जाए स्पेसिफिकेशन की, तो 6.8 इंच की डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है, और विथ 165Hz की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है AMOLED पैनल के साथ, और HD प्लस डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। अबे यार ये क्या, तो जैसा कि आप शायद इसमें आपको फुल HD प्लस भी देखने को मिल जाए, पर जैसा कि मैं थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ, और 4500mAh की बैटरी, और 64MP प्लस 8MP प्लस 2MP का ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाएगी, और 8MP का सेल्फी देखने को मिल जाएगी। बट सेल्फी में आप एक नेक्स्ट लेवल का सेंसर यूज़ किया है, जिन पे आप नेक्स्ट लेवल की जैसा कि अच्छी क्वालिटी की सेल्फी ले पाओगे। और बात की जाए परफॉर्मेंस के बारे में, तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+Gen 1 चिपसेट, तो जैसा कि ये भी चिपसेट काफ़ी नेक्स्ट लेवल जाता है गेमिंग के मामले में। और तो और ये बात की जाए इसकी BGMI ग्राफिक्स की, तो स्मूथ प्लस एक्सट्रीम 90fps और अल्ट्रा HD प्लस अल्ट्रा इस पे भी आप गेमिंग कर पाओगे। तो इसकी बात की जाए प्राइस की, तो 18GB प्लस 512GB रैम की जो प्राइस है वो आ जाती है 1,14,318 रुपये की, 18GB प्लस 512GB वाली की जो इतनी प्राइस है आपको देखने को मिल जाती है, विथ LPDDR5X रैम और UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। और ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलता है, जैसा कि आप इसे दुबई से या चाइना से या किसी अदर कंट्री से बाय कर सकते हो। एंड गाइस तो बात की जाए नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में, तो वो है रेड मैजिक 7S प्रो स्मार्टफोन एडिशन। तो जैसा कि ये भी बम्बली लिमिटेड ट्रांसफॉर्मर एडिशन है, जैसा कि ये स्मार्टफोन टेस्ला से भी ऊपर लेजेंड स्मार्टफोन जैसा कि देखने को लगता है। एंड जैसा कि आप इसके इमेज देख कर पता लगा लेंगे। एंड बात की जाए इसके स्पेसिफिकेशन की, तो इसके अंदर आपको 6.8 इंच की AMOLED पैनल वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, विथ 120Hz रिफ्रेश रेट, फुल HD प्लस 144Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, 5000mAh की बैटरी, और 65W की चार्जिंग, और 64MP प्लस 8MP प्लस 2MP का ट्रिपल रियर कैमरा स्लॉट देखने को मिल जाता है। और बात की जाए इसके 8K 30fps या 60fps वीडियो को शूट कर पाओगे, कनेक्टिविटी प्लस
फैन कूलर सिस्टम देखने को मिल जाती है। और इसके अंदर बात की जाए परफॉर्मेंस के बारे में तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 चिप देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आप बीजी में ग्राफिक्स अच्छी लेवल पे आप यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। स्मूथ प्लस एक्सट्रीम 90 FPS, अल्ट्रा HD प्लस अल्ट्रा 90 FPS देखने को मिल जाएगी। और बात की जाए प्राइस की तो 16 GB प्लस 512 GB की रैम देखने को मिल जाती है, और इसकी जो प्राइस है वो 1,71,841 रुपये की प्राइस में देखने को मिल जाती है। और कार्ड लगाने के बाद अरे यार ये तो इंडिया में है ही नहीं पीस, फिर आप इस पे कार्ड कैसे लगाओगे? तो ये सब आपको चैनल देखने को मिलता है $15,000 में, और इंडिया में आपको उस प्राइस में देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बता दिया, रिवाइंड करके देख लो। एंड गाइस तो बात की जाए नेक्स्ट फोन के बारे में, तो जैसा कि मैंने फ़ोन बोला है तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम बात करने वाले हैं आईफोन 13 एंड 13 प्रो मैक्स के कैवियर एडिशन के बारे में। तो जैसा कि कैवियर के काफ़ी नेक्स्ट लेवल एडिशन आए हैं, जैसा कि आईफोन भी ट्रांसफॉर्मर किया है कैवियर के साथ, और इसकी जो प्राइस है वो यार 5 लाख 6 लाख 7 लाख ऐसे कुछ जाती है। तो जैसा कि आईफोन 13 कैवियर की मैं आपके स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ, 6.1 इंच की सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और बैटरी 3240 mAh फिर आवर और 20 वाट की चार्जिंग देखने को मिल जाती है। 12 MP प्लस 2 MP का डुअल रियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और 12 MP का सेल्फी देखने को मिल जाता है, जिनके ऊपर आप 4K 60 FPS तक वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। और बात की जाए परफॉर्मेंस के बारे में तो A15 बायोनिक चिप देखने को मिल जाती है। BGMI ग्राफिक्स तो जैसा कि 90 FPS तक आप कर पाओगे। स्मूथ प्लस एक्सट्रीम अल्ट्रा HD प्लस अल्ट्रा देखने को मिल जाएगी। प्राइस 4GB प्लस 120 AU जो प्राइस है वो आपको ऐसे तो 80,000 आपको सिंपल भी देखने को मिल जाती है, और KVR की जो प्राइस है वो आपको ऐसे बताया जा रहा है कि 5 लाख के समथिंग में देखने को मिल जाएगी, और 4GB प्लस 256 GB जो प्राइस है वो आपको 6 लाख तक देखने को मिल सकती है। और तो और जैसा कि iPhone 13 Pro Max की यहाँ पे कुछ इमेजेस दिखा रहा हूँ, जिन पे आपको जिनकी प्राइस उसके ऊपर ही लिखा हुआ है, तो आप उसको पॉज करके पढ़ सकते हो और चाहो तो उसे इंडियन प्राइस में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड गाइस तो बात की जाए लास्ट और आखिरी स्मार्टफोन के बारे में, तो उससे पहले मैं ये बता दूँ ये जो स्मार्टफोन है ना वो 7 साल पहले आई थी 2017 में 2017 के आसपास। तो जैसा कि ये स्मार्टफोन आई थी और इसके अंदर काफ़ी कम रैम और काफ़ी कम जैसा कि आपको वीकनेस चिपसेट देखने को मिलते हैं। अब बात की जाए इस स्मार्टफोन के बारे में तो ये है सैमसंग की तरफ से आने वाला सैमसंग गैलेक्सी S6 एज आयरन मैन एडिशन। तो इसे भी जैसा कि टेस्ला का नाम दिया गया है, ये भी एक टेस्ला स्मार्टफोन है। एंड बात की जाए इसका डिस्प्ले की तो इसमें आपको 5.8 इंच का डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगी, और इसमें कोई भी एमोलेड पैनल या कोई भी रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलती है। और बैटरी आपको इसमें 2600 mAh की बैटरी, 16 MP प्लस का रियर कैमरा देखने को मिल जाता है, और 5 MP का फ्रंट देखने को मिल जाता है। और परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 1.5 GHz की क्वाइट कोर प्रोसेसर है, और इसमें क्या प्रोसेसर है वो भी मेंशन नहीं था, जैसे कि कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था। और बात की जाए एंड्रॉयड 5 पे लॉलीपॉप वर्जन पे ही यार कितना स्मार्ट पुराना स्मार्टफोन है, तो एंड्रॉयड 5 पे ये वेस्ट था। तो इस स्मार्टफोन के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कर पाते थे, और कई सारे स्मार्टफोन ऐसे होते हैं कि जिन पे वीडियो। बात की जाए इसके प्राइस की तो इसकी जो प्राइस है वो आपको 70,000 के प्राइस में 2017 में देखने को मिली थी, बट ये स्मार्टफोन आपको अभी देखने को नहीं मिलेंगे, और अगर आप चाहिए तो वो आपको अदर कंट्री में देखने को मिल सकते हैं। ये स्मार्टफोन के एडिशन भी काफ़ी मेरे को अच्छे लगे, अच्छी कस्टमाइजेशन के साथ ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाता है। एंड गाइस तो अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो मैक्स और की ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड पसंद आई होगी तो ये वाली वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो कोई भी मिस ना हो। या गाइस तो और भी जैसा कि इस वाले गेमिंग को मैं ऐड करूँ अपनी वीडियो के वॉइस ओवर के लिए, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके, और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जरूर से। तो मैं मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड पीस आउट। और हाँ, और तो जैसा कि इस सारे स्मार्टफोन में आपका कौन सा सबसे फेवरेट स्मार्टफोन है वो हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। तो या गाइस तो मैं चलता हूँ और मिलता हूँ किसी अपने इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड पीस आउट।